नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ITI क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से एपी पंखा का बाइंडिंग कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक एपी पंखा है, तो चलिए इसको काट कर इसकी बाइंडिंग करेंगे। हम यहाँ पर हमने इसको काट लिया है, अब हम इसको पेपर डालकर इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 34 नंबर तार लेंगे, इसके बाद हम इसका फरमा सेट करेंगे। इसका कॉइल हम लच्छे वाला कॉइल बनाएंगे, इसके लिए हम 26 इंची का फरमा सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम आपको नाप को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए 26 इंची है, 26 इंची का हम फरमा सेट करेंगे और इसके अंदर 34 नंबर तार से 300 टर्न डालेंगे। 300 टर्न से कम नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो कॉइल हीट करेगा। 300 टर्न डालने के बाद इसमें थोड़ा सा भी कॉइल आपको हीट नहीं करेगा और बूस्ट सापट ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें तार कम डालते हैं तो आपका पंखा हीट करेगा और बार बार इसका बूस्ट सापट ख़राब करेगा। यहाँ पर हम इसमें कॉइल डालते हैं, इसका पिच हम 8-10-12 करेंगे। 2800 RPM की मोटर होती है। यहाँ पर हमने 8 के पिच में कॉइल को डाल लिया है, अब हम 10 के पिच में डालेंगे इसके कॉइल को। यहाँ पर 10 के पिच पे हमने डाल लिया है और हम इसको घुमाकर 12 के पिच में डालेंगे। बहुत ही आसान होता है एपी पंखा बाइंडिंग करना। यहाँ पर देखिए, हमने कॉइल को डाल लिया और बिल्कुल सेट कर लेंगे कॉइल को, ताकि इसके ऊपर से जो भी कॉइल डले वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डल जाए। यहाँ पर देखिए, दूसरा कॉइल भी हम डाल रहे हैं। दूसरे कॉइल को हम उल्टा कॉइल करके डालेंगे, ताकि 1-3 कनेक्शन भी हो जाए। यह हमारा रनिंग कॉइल डल गया है। अब हम इसके लिए स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे कॉइल को। अब हम इसको स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए हम 34 नंबर तार का ही इस्तेमाल करेंगे। और जो फरमा होता है वो हम 1 इंची छोटा करेंगे। 1 इंची छोटा करके हम फरमा को बनाएंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग टर्न भी 300 टर्न होता है। हम स्टार्टिंग को भी उसी तरीके से डालेंगे जिस तरीके से हम रनिंग कॉइल को डाले हैं, जिसका पिच हो जाएगा 8-10-12। यहाँ पर पहले हम 8 के पिच में डालेंगे, उसके बाद हम 10 और 12 के पिच में डालेंगे। इसी तरीके से हम स्टार्टिंग के दोनों कॉइल को डाल लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और किसी भी प्रकार का सवाल पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा एक सेट हो गया है, अब हम दूसरे सेट को इसमें डालेंगे। दूसरे सेट को भी उल्टा करके डालना है, क्योंकि हमें 1-3 का कनेक्शन भी करना होता है, इसलिए हम दूसरे सेट को उल्टा करके डालेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से डालेंगे। 8 का पिंच करके, 8-10-12 का पिंच करके हम डालेंगे इसमें। अब हमारा ये एपी पंखा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब इसको हम अच्छी तरीके से सेट करके इसमें हम शॉर्ट पेपर को डालेंगे। शॉर्ट पेपर डाल के इसकी अच्छी तरीके से धागे से इसको बांध देंगे।
ताकि थोड़ा सा ही वाइब्रेशन ना हो। Thank you.